देखिए हम लोग अभी नया टॉपिक एक क्या स्टार्ट किए हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। ट्रांसपोर्ट के कई मीडियम हम लोगों ने पढ़ा है, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। उसमें से अभी हम एक टॉपिक कर रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए हर ट्रांसपोर्ट का एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, एक फीचर होता है, एक एस्पेक्ट होता है। ट्रांसपोर्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होगा और नेगेटिव भी होगा। उसी तरह से एयर ट्रांसपोर्ट का भी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अगर आपसे पूछा गया है एयर ट्रांसपोर्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे कि ये बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। इंडिया के एक प्लेस को दूसरे प्लेस से काफी तेजी और फास्ट के साथ कनेक्ट कर देता है, और इंडिया के एक प्लेस से दूसरे प्लेस से आप फास्टली क्या कर सकते हो, ये पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा मैंने बताया कि हम लोग क्या देखते हैं, तेजी से खराब होने वाला सामान, जैसे मान लो मिल्क को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, आइसक्रीम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जो बहुत फास्ट मल्ट हो रहा है, दूध तेजी के साथ क्या हो जाता है, खराब भी होता है ना। तो ऐसे चीजों को हम लोग किसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एयर से, ठीक है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि वार सिचुएशन में एट द टाइम मिलिट्री को पहुंचाना इंडियन बॉर्डर में, या कहीं पर क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को पहुंचाना है, जैसे पंचकुला में बाबा राम रहीम पर जब ट्रायल चल रहा था तो वहां पर क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हुआ, पैरामिलिट्री फोर्स को तुरंत भेजना है, या पाकिस्तान ने जेएनके में अटैक कर दिया या बॉर्डर एरिया में अटैक कर दिया, तुरंत आप एयरफोर्स को बाय एयर भेज सकते हैं। और हम लोग जो वार सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसका बेनिफिट और क्या हो सकता है, डिजास्टर के टाइम पे बहुत यूजफुल है, जैसे मैंने बताया भूकंप आ गया, फ्लड आ गया है, सुनामी आ गया है, ऐसे टाइम में लोगों तक जरूरी सामान, लोगों तक मदद, रेस्क्यू टीम, इन सबको आप एयर ट्रांसपोर्ट से वहां तक भेज सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। अब नेगेटिव क्या, नकारात्मक पक्ष क्या है एयर ट्रांसपोर्ट का, तो सबसे बड़ी बात है बहुत महंगा है, आम आदमी की पहुंच में नहीं, आम आदमी नहीं सोच सकता भाई महंगा, पहली बात। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम शुरू किया उड़ान, और उसमें कहा गया है कि एक घंटे की दूरी वाले जो भी स्थान है, प्लेस है, जो दिल्ली से एक घंटे की दूरी पे हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए सरकार काफी कम रेट पर आपको हवाई सुविधा देगी, उसी स्कीम का नाम क्या, उड़ान। तो चलिए एक पॉजिटिव है मान लेते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन अभी भी 2500 रुपए एक आम आदमी को सोचना पड़ता है, तो आम आदमी की पहुंच से दूर, पहला नेगेटिव। दूसरा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक क्या रहता है, लोगों के मन में हमेशा एक आशंका, एक डर रहता है, क्या कब क्रैश कर जाए, ठीक। थर्ड, हम लोग देखते हैं कई बार हाईजेक कर लिया जाता है प्लेन को, और जैसे कंधार प्लेन ले गया था इंडियन एयर इंडिया के प्लेन को, नेपाल से काठमांडू से कंधार लेकर चले गए थे आप पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद को छोड़ने के लिए, तो ऐसे में अगर हाईजेक कर लिया गया तो सारे यात्रियों की सुरक्षा क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, ये भी एक डेंजर पॉइंट हो गया। फिर डिजास्टर के समय में जब काफी हेवी रेनफॉल हो रहा है, तो ऐसे समय में प्लेन को लैंड किया जाना इम्पॉसिबल है। फिर मान लो सर्दियों का टाइम है, फॉग है, कोहरा है, तो कुहासा और कोहरा के समय में जब विजिबिलिटी कम हो जाता है, ऐसे में भी एयरपोर्ट को में प्लेन को लैंड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ माना जाता है कि कोई अभी कितने सारे ऐसे जो डिजीज है, जो काफी गंभीर डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कौन सा डिजीज हो जाएंगे, डेंगू वगैरह नहीं, इबोला की बात कर ले, इबोला वायरस की बात कर ले, हम लोग एचआईवी भी उसमें डाल दीजिए, या स्वाइन फ्लू की बात कर ले, दूसरे देशों से पैसेंजर के माध्यम से, या आप कह सकते हैं सामान में जो लगे जा रहा प्लेन में, उससे उसके वायरस कहां तक आ सकते हैं, इंडिया में, और इंडिया में तेजी से फैल सकते हैं। तो ये नेगेटिव आप एस्पेक्ट कह सकते हो, और वो क्या था, पॉजिटिव था, क्लियर। दुनिया का पहला एयर पोस्टल सर्विस, एयर पोस्टल सर्विस को हिंदी में क्या कहेंगे, विमान डाक सेवा। अब डाक समझते हैं, लेटर्स को जो ले जाता है, मनी ऑर्डर, पोस्ट कार्ड, या आप कुरियर कर रहे हो, कुछ भी है। तो वर्ल्ड का पहला एयर पोस्टल सर्विस कहां स्टार्ट हुआ बताओ, इंडिया में, भारत में, इंडिया में, कब, 1911 में, कहां से कहां तक, इलाहाबाद से शुरू होकर ये विमान कहां तक उड़ा, नैनी तक।
तो इलाहाबाद से नैनी के बीच, और इसी इलाहाबाद नैनी के पास इंडिया का लोकल टाइम जोन भी है। कौन सा विवेक? इंडिया का लोकल टाइम जोन। कौन से लॉन्गिट्यूडनल लाइन, देशांतर रेखा को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ इंडियन लोकल टाइम जोन? ग्रीनविच तो वर्ल्ड का है। नहीं नहीं, मैं इंडिया का पूछ रहा हूँ। ये तो वो लाइन है जो बांधती है। There are two imaginary lines on the globe. One is latitude and other is longitude. अक्षांश और देशांतर। मैं पूछ रहा था, वो तो 32 and half है। 82 and half degree longitude is considered as a Indian local time zone, which is crossed from Allahabad, Naini. And ये क्या है? It is 5 hour 30 minute ahead from Greenwich, London International Time Zone. तो मैं ग्रीनविच के बारे में थोड़ी पूछ रहा था। ग्रीनविच तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और वो कहाँ है? लंदन में। और उससे हम लोग ईस्ट में है, तो 5 घंटा 30 मिनट इंडिया का टाइम लंदन से आगे है। सपोज एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया में अभी दिन के 2 बज रहे हैं तो लंदन में क्या टाइम होगा? बताओ विवेक, इंडिया में आफ्टरनून में 2 बज रहे हैं तो लंदन का क्या टाइम होगा? 7:30 क्या मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग होगा, क्यों? हम लोग से क्या पीछे है? हम लोग ईस्ट में है तो ईस्टर्न पार्ट में, वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में सनराइज क्या होता है? बिफोर, पहले होता, अहेड होता है, और जैसे जैसे आप वेस्टर्न पार्ट में आओगे वो क्या होता है? बाद में होता है। क्लियर? तो वर्ल्ड का पहला एयर पोस्टल सर्विस स्टार्ट इन इंडिया फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी 1911। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट कर ली। हम लोग क्या देखते हैं, 2007 तक इंडिया में जो एयर सर्विस था वो दो तरह के गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट, हम लोग गवर्नमेंट एयर सर्विस की बात करेंगे, प्राइवेट में हम लोग बात ही नहीं करेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर में कई सारे एयरलाइंस हैं, जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, गो एयर है, जेट एयर है, किंगफिशर तो बंद हो गया, कई सारे हैं। तो हम लोग प्राइवेट की बात नहीं करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट की बात करेंगे। 2007 इंडिया में दो तरह की एयरलाइंस थे, यानी एयरलाइंस दो तरह की सेवाएं प्रदान करती थी। एक एयरलाइंस गवर्नमेंट का एयर इंडिया था और दूसरा क्या था? इंडियन एयरलाइंस। टिल 2007 अब इन दोनों में बेसिक फर्क क्या था बिटवीन एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस? एयर इंडिया आपको जो सर्विस प्रोवाइड करता था वो था इंटरनेशनल सर्विस। जैसे आपको इंडिया से जाना है न्यूयॉर्क, किसमें बैठ के जाओगे? एयर इंडिया। इंडिया से जाना है आपको कहां, तो आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आप जाओगे बाय एयर इंडिया। तो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयर इंडिया टिल 2007। इंडियन एयरलाइंस क्या कर रहा था? डोमेस्टिक एंड नेबर कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करता था, यानी घरेलू प्लस पड़ोसी देश। जैसे इंडिया से, दिल्ली से पटना जाना है, हम लोग एयर इंडिया में बैठ के नहीं जाते थे, किसमें जाते थे? इंडियन एयरलाइंस में। दिल्ली से मुंबई जाना है, इंडियन एयरलाइंस में पकड़ लीजिए। दिल्ली से हम लोगों को काबुल जाना है, नेबर कंट्री अफगानिस्तान, इसे बैठ के जाएंगे। दिल्ली से काठमांडू जाना है, इंडियन एयरलाइंस में बैठेंगे। ये कब तक की कहानी है? टिल 2007। इन 2007 क्या किया गया? गवर्नमेंट ने एयर इंडिया प्लस इंडियन एयरलाइंस दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, मिला दिया। एंड मिला के क्या बनाया? नेसिल, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक नया, इन दोनों को मर्ज करके एक नया कोऑपरेटिव ऑफिस भी मुंबई में बना और इन दोनों को मर्ज करके नया कंपनी बनाया जा रहा है, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अब इन दोनों को मर्ज करके अब ओनली एक ही नाम रखा गया, दैट इज एयर इंडिया। यानी प्लेन में अब इंडियन एयरलाइंस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये पुरानी बात हो गई, ये हिस्ट्री हो गया। अब प्रेजेंट 2007 और नया नाम क्या है? नेसिल। और प्लेन में अब क्या लिखा हुआ होगा? ओनली एयर इंडिया। क्लियर? यानी एयर इंडिया ही से ही वाशिंगटन डीसी जाइए, एयर इंडिया से ही न्यूयॉर्क जाइए, एयर इंडिया से ही आप गए डरबन चले जाइए, आप रोम चले जाइए, एयर इंडिया से ही पटना जाइए, एयर इंडिया से ही गया जाइए, एयर इंडिया से ही भोपाल जाइए। यानी एयर इंडिया पकड़कर इंटरनेशनल भी आप सर्विस प्रोवाइड करेगा एयर इंडिया, और साथ ही साथ क्या करेगा? नेशनल भी करेगा, डोमेस्टिक भी करेगा। क्लियर? यानी डोमेस्टिक एंड
international service, both service provided by Air India from 2007 to present. Clear? कोई problem यहाँ तक? अब देखो कुछ logo पहले क्या था? Indian Airlines का अलग logo था और Air India का अलग logo था. जब दोनों को merge कर रहे हैं तो logo भी merge होगा. अब logo में क्या किया गया? अगर आप Air India के नए वाले plane को भी देखिएगा ना, तो उस plane के जो door है, plane में क्या होता है? दो door होते हैं, एक सामने की तरफ और दूसरे पीछे की तरफ. दोनों डोर में एयर इंडिया के प्लेन में क्या बनाया गया? महाराजा का लोगो, यानी कार्टून है, पगड़ी पहना हुआ, मूंछ वाला. अब वो क्या कर रहा है? वो वेलकम कर रहा है कि आइए प्लेन में बैठिए. उसके साथ साथ प्लेन में क्या किया गया एयर इंडिया के उसके मिड वाले पार्ट में एक उड़ता हुआ लाल रंग का हंस है और प्लेन के एकदम बैक साइड में एकदम पीछे कोनार के सन टेम्पल का जो कोनार का सन टेम्पल है उसका पेंटिंग कर दिया गया. तो यानी एयर इंडिया का अब जो लोगो भी था उसको क्या किया गया? मर्ज किया गया. इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के लोगो को मर्ज कर दोनों को कंबाइंड एयर इंडिया में लाया गया और इन दोनों को मिलाकर अब क्या बन गया? एक ही एयरलाइंस है, एयर इंडिया. क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए इसके साथ साथ हम लोगों को थोड़ा सा ना सीटेट के लिए या एसएससी के लिए हम लोगों को यह भी याद करना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इट्स लोकेशन. जैसे मैं आपको पूछूं सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच सिटी? कोलकाता. दमदम कोलकाता में क्या सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? उसी तरह से आप देखोगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन पटना. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, 2, 3 लोकेटेड इन दिल्ली. उसी तरह आपको पूछा जाए सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद. तो इंडिया के जितने इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको क्या करना होगा?